नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी चुनाव का एग्जिट पोल अब सबके सामने है, तस्वीर क्लियर है, बीजेपी की वापसी के संकेत हैं। यानी ये कि सारे रिकॉर्ड तोड़कर पुराने समीकरणों को ताक पर रखकर योगी सरकार फिर से वापसी कर रही है। देश की जानी मानी न्यूज एजेंसियों ने हर चरण में यूपी के जनमन को जाना, परखा और समझने की कोशिश की। लोगों के विचारों को आंकड़ों के जरिए पूरे यूपी के मिजाज को समझने की कोशिश की गई है, जिसके बाद ये सामने आया कि यूपी में कमल का फूल एक बार फिर से खिलने जा रहा है। पर हाँ, 2017 की तरह नहीं है। एक एवरेज आंकड़ा अगर देखें तो यूपी में बीजेपी 235 सीटें जीतकर अपना परचम लहरा सकती है, 145 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आ सकती हैं, 16 सीटों पर बीएसपी, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो हम आपको वो सवाल जो लोगों के जहन में इस वक्त उठ रहे हैं, वो सवाल अगर हम बात करें तो क्या एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच अखिलेश यादव ने ईवीएम चोरी का आरोप लगाया है? ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार लोगों के जहन में उठ रहा है। चुनावी इम्तिहान के बाद अब हर किसी की निगाह जिस पर टिकी है वो है नतीजे। पर इन दोनों के बीच घड़ी की सुइयां जहां थम गईं, वो था एग्जिट पोल का नंबर गेम, जिसने रैलियों के सैलाब से बने समीकरणों को बदल कर रख दिया। देश की बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के संकेत हैं। यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों से योगी आदित्यनाथ का दोबारा ताज पहनना तय हो गया है। नेटवर्क 18 टारगेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 236 सीट मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 145 सीट, तो वहीं बीएसपी को 17 और कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिलती दिखाई गई है। वहीं न्यूज एक्स पोल स्टेट के एग्जिट पोल में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को 223, समाजवादी पार्टी को 153 सीट, बसपा को 19 और कांग्रेस को 0 सीट मिलने की बात कही गई है। वहीं TV9 के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 211 से 225 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, समाजवादी पार्टी को 146 से 160 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 14 से 24 और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रिपब्लिक के सर्वे की माने तो बीजेपी को 262 से 277 सीटें मिल सकती हैं, 119 से 134 सीटें समाजवादी पार्टी को, 7 से 15 सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं। इस सर्वे के हिसाब से भी कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। चाणक्य के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी 294 सीटें जीत रही है, समाजवादी पार्टी 105, कांग्रेस को 1 और बीएसपी को 2 सीट मिल सकती हैं, अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी को 288 से 326 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, एसपी को 71 से 101, कांग्रेस को 1 से 3, बसपा को 3 से 9 और अन्य दलों को 2 से 3 सीट मिल सकती हैं। इन सभी का औसत निकालें तो बीजेपी को 235 सीट मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 145, बसपा को 16 और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं।